इंडिया में दिन पर दिन पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है। इस बढ़ते हुए पॉल्यूशन से हर घर में न जाने रोज कितनी बीमारियां हो रही हैं। क्या कोई ऐसी डाइट हो सकती है जो पॉल्यूशन से होने वाली बीमारियों से हमें बचा सके? अभी तक हम वेट लॉस की या फिर मेडिकल कंडीशंस की डाइट्स की बात करते थे, लेकिन आज मैं एक ऐसी डाइट के बारे में बात करने वाली हूँ जो पॉल्यूशन से होने वाली बीमारियों से आपको बचा सकती है। ज़रा सोचिए, हमने अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या किया है कि हमें आज पॉल्यूशन की डाइट्स के बारे में बात करनी पड़ रही है। पॉल्यूशन भी अपने आप में कितनी बड़ी समस्या बन चुका है, लेकिन जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ सोल्यूशन भी होता है। लेकिन सोल्यूशन पर जाने से पहले, अगर ये टॉपिक आपके मतलब का है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं कि पोल्यूशन बढ़ने से आखिर होता क्या है। आज की रेट में पोल्यूशन लेवल जो है वो डेंजरस मार्क क्रॉस कर चुका है। ऐसी हवाएं हमारे आसपास जिसमें कि सांस लेना भी मुश्किल है, ऐसे में लोगों में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एस्मा की प्रॉब्लम्स हैं, ब्रोंकाइटल प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट डिजीज़ हैं, आई इन्फेक्शंस हैं, कोल्ड फ्लू वगैरह है, और यहाँ तक कि कैंसर तक होने का खतरा बन जाता है। मगर अच्छी बात यह है कि हमारा खाने का हमारी इम्यूनिटी से डायरेक्ट कनेक्शन है, तो अगर हम अच्छी डाइट खाते हैं तो अपनी अच्छी इम्यूनिटी बना सकते हैं। इम्यूनिटी का मतलब है कि बीमारियों से लड़ने की शक्ति। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो हम इन्फेक्शन जल्दी नहीं कैच करेंगे। ये तो हुई प्रॉब्लम, अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेंगे, हमें इन्फेक्शन से बचा के रखेंगे। तो डाइट की बात अगर करें तो डाइट में हमें क्या क्या लेना है, तो सबसे पहले अपनी डाइट में विटामिन सी वाली चीज़ें लेना शुरू करें। विटामिन सी एक बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है हमारी बॉडी के लिए, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अब विटामिन सी हमें किन किन चीज़ों से मिलता है? नींबू ले सकते हैं, आंवला है, अमरूद, कीवी, ऑरेंजेस, इन सब में विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। अब मैं विटामिन सी अपनी डाइट में कैसे लेती हूँ? या तो मैं फ्रूट्स लेती हूँ, और जो मैंने रेगुलर रूटीन बनाया हुआ है कि हर रोज़ मैं एक कप गुनगुने पानी में आधा नींबू का रस और आधा चम्मच शहद डाल के लेती हूँ। ये आप किसी भी टाइम ले सकते हैं, बहुत हेल्दी है। अगली चीज़ जो आपने अपनी डाइट में लेनी है वो है विटामिन ई के सोर्सेस। ये आपके बॉडी सेल्स डैमेज होने से बचाएगा। अब विटामिन ई हमें किन किन चीज़ों से मिलता है? बादाम से, ऑलिव ऑयल से, सनफ्लावर सीड्स हैं, या फिर नॉन वेजिटेरियंस जो हैं वो फिश ले सकते हैं। अब अगली चीज़ जो आपने डाइट में हर रोज़ लेनी है वो है ओमेगा 3 फैट्स। इसका सबसे अच्छा सोर्स है फिश, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अखरोट ले सकते हैं या फिर सीड्स ले सकते हैं, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, मेथी सीड्स या फिर मस्टर्ड सीड्स। इसके साथ साथ आप काले चने और राजमा भी ले सकते हैं। अगली चीज़ जो आपने डाइट में लेनी है वो है बीटा कैरोटीन के सोर्सेज, जो कि इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं और बॉडी में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाते हैं। डाइट्री बीटा कैरोटीन हमें रेड और ऑरेंज फल और सब्जियों से मिलता है या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। तो इसके लिए आप गाजर खा सकते हैं या फिर एप्रिकॉट्स, शकरकंदी, लाल पीली शिमला मिर्च, ये सब ले सकते हैं। इसके अलावा आप अमरंथ यानी कि चौलाई का साग ले सकते हैं, धनिया, मेथी, मूली के हरे पत्ते और पालक भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ मसाले और हर्ब्स की जिन्हें आपने हर रोज़ अपनी डाइट में लेना है। इसमें सबसे पहले तो आती है हल्दी। ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे लंग्स को बाहर के टॉक्सिन से बचा के रखती है। अगर आपको खांसी है तो आप हल्दी में देसी घी मिला के ले सकते हैं, इससे आपको आराम मिलेगा। उसी तरह हल्दी वाला दूध लेना भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन खाने से भी फायदा मिलेगा, क्योंकि ये आपको इन्फेक्शन से दूर रखेगा। घी और गुड़ के लड्डू बना के खाएं, ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लियर रखेंगे और बॉडी को भी डिटॉक्स करेंगे। अदरक, काली मिर्च और तुलसी की चाय दिन में 1 से 2 बार लें, इससे भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। गुड़ खाने से भी पोल्यूटेंट्स हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। गन्ना या गन्ने का जूस पीने से भी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन से लड़ते हैं। दिन में 1 बार आप मसाला चाय बनाएं, जिसमें कि आप अदरक या सौंठ ज़रूर डालें, साथ में तुलसी, इलायची, दालचीनी, लौंग और सौंफ भी डालें। ये भी आपको सर्दी जुकाम में आराम देगी। पानी का इंटेक अच्छा रखें और जितना हो सके गुनगुना पानी पिएं। ये तो हुई डाइट की बात। इसके अलावा अपनी एक्सरसाइज का भी ध्यान रखें। जब तक बाहर पोल्यूशन ज़्यादा है, घर पर ही एक्सरसाइज करें। अगर आप योगा करते हैं तो प्राणायाम ज़रूर करें, क्योंकि लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि नेचुरल एयर प्योरीफायर का काम करते हैं और दूषित हवा को साफ करते हैं। ऐसे पौधों को आप घर के अंदर लगा सकते हैं। मैंने अपने घर में एलोवेरा के प्लांट्स लगाए हुए हैं, साथ में स्नेक प्लांट लगाया हुआ है जो कि पोल्यूशन को दूर करता है। इसके साथ साथ हर रोज़ स्टीम लेना शुरू करें, खासकर अगर आप घर से बाहर हैं पूरा दिन तो वापस आते ही स्टीम लें। अगर आप चाहें तो पानी में यूकेलिप्टस ऑयल भी डाल सकते हैं।
ये आपके नेजल पैसेजेस को क्लियर करेगा और ब्रीदिंग नॉर्मल करेगा। इसके साथ साथ अपने घर में और अपनी कार में वेंटिलेशन का भी ध्यान रखें। घर पर आप ये कर सकते हैं कि जो आपकी किचन है वहाँ पे चिमनी ज़रूर हो और जो आपका बाथरूम है वहाँ पर एग्जॉस्ट ज़रूर हो ताकि जो हवा है वो सर्कुलेट होती रहे। तो ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स थे जो मेरे बहुत काम आए हैं, जिन्हें मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ, आपके भी काम आए और आप भी पोल्यूशन से होने वाली बीमारियों से बच सकें। तो अगर ये टिप्स आपको काम के लगे हों, आपको पसंद आए हों, तो इन्हें ट्राई ज़रूर करें और उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो ऐसे मौसम में बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। ऑल द बेस्ट।